हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए टॉपिक में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका आपको बताते हैं। देखिए, एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक, एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक। ठीक है, आपने देखे होंगे प्राथमिक विद्यालय होते हैं। स्कूल का मतलब क्या होता है, स्कूल का मतलब तो आपको जानते ही है, मतलब आपका स्कूल। क्लासरूम का मतलब भी आपको पता है आपका क्लास। और स्लम का मतलब होता है जो गरीबों वाला एरिया होता है, ठीक है, गंदी बस्ती जो बोलते हैं जिसे, उसे बोलते हैं स्लम, गंदी बस्ती। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या है, यानी एक प्राथमिक कोई स्कूल है। प्राथमिक स्कूल आप समझते होंगे, जहाँ पे आप पढ़े होंगे छोटे क्लास तक, और वहाँ पे जाके आप कढ़ी चावल, कढ़ी पकौड़ी, ये सब आपने खूब खाई होगी। तो प्राथमिक स्कूल ऐसा, उसका एक क्लासरूम की बात हो रही है जो गंदी बस्ती में है, ठीक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ की बात है। ठीक है, तो इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। दिस पोएम, पोएम का नाम लिखा हुआ है, इज कंपोज्ड बाई स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, ये नाम लिखा हुआ राइटर का स्टीफन स्पेंडर, यानी इस पोएम के राइटर कौन है, स्टीफन स्पेंडर। इन दिस पोएम पोएट स्टीफन स्पेंडर हैज प्रेजेंटेड, यानी इस पोएम में, इन माने में, इस पोएम में पोएट पोएट का नाम क्या है, पोएट स्टीफन स्पेंडर जो है वो क्या करते हैं, हैज प्रेजेंटेड, यानी प्रेजेंट करते हैं अ पिक्चर ऑफ क्लासरूम, यानी क्लासरूम का एक दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन अ स्लम, स्लम का मतलब जो गंदी बस्ती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है लोग, बहुत ज़्यादा गंदी बस्ती, गरीब लोग रहते हैं, वहाँ का जो कॉलेज है, वहाँ के जो क्लासरूम्स हैं, उनकी एक पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है। ड्यू टू द पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी के कारण, द चिल्ड्रन कंडीशन आर वेरी मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब होता है दुख वाली, दुख से भरी हुई, दयनीय है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है, गरीबी के कारण जो बच्चे हैं उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा दयनीय है, बहुत ज़्यादा दुखी करने वाली है। देयर पेल फेसेस, पेल का मतलब होता है पीला, यानी उनके जो पीले पीले चेहरे हैं, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करते हैं देयर सैडनेस, देयर सैडनेस का मतलब उनके दुख को व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, पोएट ऑल्सो डिफाइन सोशल इनजस्टिस, सोशल का मतलब जो समाज में, इनजस्टिस का मतलब जो अन्याय है, एंड क्लास इनइक्वालिटीज, और क्लास में जो असमानता है, इनइक्वालिटीज का मतलब असमानता। जैसे आप ही हैं, अगर आपके पास कोई गंदा सा बच्चा जिसके पास महक आ रही है इस तरीके का आके बैठ जाए, तो क्या करेंगे आप उसके से हट जाएंगे, कहीं और बैठ जाएंगे, बोले कहीं और बैठो जाके, इसे बोलते हैं इनइक्वालिटी, यानी असमानता। ठीक है, स्टीफन स्पेंडर मच बरीड, बरीड का मतलब चिंता होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, फॉर दीज चिल्ड्रंस, उन बच्चों के लिए, हु लिव इन अ स्लम, जो लोग रहते ही वहाँ है, स्लम का मतलब गंदी बस्ती में रहते हैं। पोएट अपील, पोएट का मतलब अपील करता है, वो क्या करता है, टू गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, इन सबसे अपील करता है, क्या करता है, टू मेक द लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन बेटर थ्रू एजुकेशन, यानी इनकी जो लाइफ है उसे अच्छी करने की अपील करता है, कैसे, थ्रू एजुकेशन, यानी शिक्षा के द्वारा, क्योंकि शिक्षा क्या है, बिकॉज एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि जो शिक्षा है वही बेस्ट पॉलिसी है हमारे लिए, वही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, वाई विच इट विल रिमूव, जिसके द्वारा या ये रिमूव किया जा सकता है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी, यानी जो असमानताएँ हैं और जो समाज में अन्याय हो रहा है गरीबों के प्रति, उन सबको दूर कब किया जा सकता है, शिक्षा के माध्यम से। जब आपके पास शिक्षा होगी तो आप सबसे अच्छी तरीके से व्यवहार करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं पढ़ लिख बहुत गए हैं, लोगों से बात नहीं करना आता, बात करने की तमीज नहीं है, तो ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यानी हमेशा जब आपके पास शिक्षा होगी तो आप लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे, इसी को दर्शाने की कोशिश की गई है। सेंट्रल आइडिया आप देख रहे थे, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ठीक है, स्लम का मतलब क्या होता है, गंदी बस्ती के जो लोग हैं उनके स्कूल की बात की गई है, उनके प्रति अन्याय की बात की गई है, तो ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। ठीक है, अगर आप हमारी एप्लीकेशन पर देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई हो, आपने कोर्स हमारा खरीद लिया है, लेकिन अगर आप चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से हमारी एप्लीकेशन भी है, वहाँ पर बहुत सस्ते सस्ते कोर्सेज बीच बीच में ऑफर आते रहते हैं, कभी कभी कोर्सेज एक एक रुपए के भी हो जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।